चिंटू अपने दोस्तों को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है भाई, बता तो दे क्या क्या चीज चेक करनी चाहिए, नहीं तो भैया फिर से गलत गाड़ी ले आए तो फिर तो क्या करेगा, इनको कैसे जवाब देगा। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हो और दिमाग में ये चल रहा है कि क्या क्या चीज चेक करनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और आईसी इंजन गाड़ी के बारे में तो आपको पता है कि भैया क्या क्या चीज चेक करनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज आपको चेक करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी वारंटी और उसकी लाइफ। कभी भी किसी भी कंपनी की जो बैटरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, बैटरी होता है। मोटर तो वो तो लंबा चली जाएगा, लेकिन सबसे पहली चीज तो होती है बैटरी। आजकल बैटरी में थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सख्ती किया है, तो इस कारण से AIS 156 सर्टिफिकेशन के साथ सारी बैटरी आपको देखने को मिलती है। हालांकि पहले देख लेना, अगर किसी कंपनी में सब्सिडी नहीं मिल रही है, यानी कि वो जो बैटरियां है वो बाहर से आउटसोर्स कर रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो समझ लेना भैया कि उसने लोकलाइजेशन करा है। वैसे भी बैटरी की कुछ पार्ट्स बाहर से आते हैं, उसमें चाइना भी है, तो ये चीज तो कंफर्म्ड है कि बैटरी में कुछ पार्ट तो चाइना से भी लगता है, चाहे आप कोई भी कंपनी की गाड़ी उठा लो। अब बात करते हैं कि भैया बैटरी की लाइफ कैसे चेक करें, कि बैटरी की कैसे क्या रहेगी, कैसे क्या लंबे समय तक चलेगी। हालांकि जिन गाड़ियों की प्राइस 1 से 1,10,000 की ऊपर है, उन गाड़ियों में आपको अच्छी खासी बैटरी देखने को मिलती है, बट डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है। अगर जिस कंपनी ने R&D करके पूरी गाड़ी को बनाया है, बहुत सारे रिसर्च करके गाड़ी बनाया है, देन वो गाड़ी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि उन्होंने बैटरी पे भी काम किया है। और वैसे भी आपको पता है कुछ समय के अंदर AIS 156 सर्टिफिकेशन जो है उसका फेज 2 भी आने वाला है, यानी कि जो बैटरीज है और सेफ्टी होने वाली है और सेफर साइड जाने वाली है, तो ये चीज जरूर चेक कर लेना। वैसे बैटरी की बात करो तो देखो सबसे ऊपर आती है सबसे गुड क्वालिटी की बैटरी और एक होती है एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी की बैटरी। देखो गुड बैटरी में होता क्या है कि वहां पे वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, बट एक्सट्रीमली जो गुड बैटरीज होती है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ये चीज जरूर देखना कौन सी गाड़ी फास्ट चार्जर सपोर्ट करती हो। जैसे कि अगर लोकल गाड़ी की बात करता हूँ, हीरो इलेक्ट्रिक या ओकिनावा या दूसरी जो कंपनियां, वो फास्ट चार्जर को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगी तो उनका जो बैटरी है वो फूट जाएगा। इसलिए इस टाइप की गाड़ियों को लो जो फास्ट चार्जर को सपोर्ट करे, यानी कि उसमें जो बैटरी है वो अच्छी क्वालिटी की है। प्लस इसकी वारंटी जरूर देख लेना, मैक्सिमम तो आजकल 3 साल की मिलती है, बट फिर भी वारंटी एक बार चेक कर लेना और बैटरी की कॉस्टिंग क्या होगी वो भी एक बार चेक कर लेना। सेकंड चीज आती है स्पीड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है। स्पीड में भी आपको दो चीजें चेक करनी चाहिए। स्पीड में होता है एक हाई और एक लो स्पीड। लो स्पीड स्कूटर पे मत जाओ तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको किसी बच्चे को देना है या आपके घर में या कोई बुजुर्ग है जिनको आपको गाड़ी देना है जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, देन ओनली उस पे जाना। लेकिन अभी अच्छी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी आपको 50 किलोमीटर से कम की स्पीड नहीं देखने को मिलती, मैक्सिमम गाड़ियों के 50-100 के बीच में ही है। तो स्पीड एक ऐसी चीज है जिस पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज वो है ग्रेडिबिलिटी। इस चीज पे कोई भी फोकस नहीं करता है। ग्रेडिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इंक्लाइंड जो होता है ना, पुल होता है या थोड़ी सी चढ़ाव होती है, वहां पे कितने डिग्री तक वो गाड़ी पुल कर सकता है, वो चीज होती है ग्रेडिबिलिटी। ये चीज जरूर चेक कर लेना कि इसकी ग्रेडिबिलिटी कितनी है। जैसे कि कुछ गाड़ियों में क्या होता है, इनिशियल पिकअप उतना कुछ खास नहीं होता, बट उसके बाद जो पिकअप होता है वो खतरनाक होता है। तो हर गाड़ी के अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि BLDC मोटर में इनिशियल जो पावर है बहुत ही तगड़ा मिलता है, लेकिन बाद के लिए उतना कुछ खास बचता नहीं है। वही अगर PMSM मोटर की बात करते हैं तो उसमें इनिशियल पिकअप हल्का सा लैग करता है, बट उसके बाद जो पावर पुल करता है वो टॉप नॉच होता है। मैं बात कर रहा हूँ BLDC मोटर और जो मिड ड्राइव मोटर होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा मिड ड्राइव मोटर की तरफ जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। तीसरी चीज वो है वेट कैपेसिटी। कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो उसका वेट कैरिंग कैपेसिटी कितना है। अगर वेट कैरिंग कैपेसिटी कम है और ज्यादा वेट वाले लोग बैठे हैं तो ऐसे में भी रेंज ड्रॉप होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक बार उसकी जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो जरूर फाइंड आउट कर लेना, जरूरी है। वैसे तो जितने भी हाई क्वालिटी व्हीकल्स है, जैसे TVS, चेतक, ओला, उसके बाद एथर, ये सारे क्या है, अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है और अच्छा खासा वेट कैरी भी कर सकते, तो इन गाड़ियों में आपको इशू नहीं होगा। बाकी जो दूसरी गाड़ियां है, जो लोकल गाड़ी है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, वो गाड़ियों में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। अगली चीज की बात करते हैं वो है सेफ्टी। हालांकि सेफ्टी के नाम पे आजकल तो यहाँ पे CVS मिलता है, AVS तो है नहीं, बट अगेन देख लेना कि वहां पे डिस्क ब्रेक हो तो ज्यादा बेटर है ड्रम ब्रेक के जगह। थोड़ा सा पैसा दे के अगर आपको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक वाला सिस्टम मिल रहा है तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स में आपको बैटरी वगैरह देख लेना कि AIS 156 सर्टिफिकेशन है या नहीं, वो देख लेना, क्योंकि परचेसिंग के समय आप उनके ब्रोचर्स पे देख सकते हैं, वहां पे मेंशन करना पड़ता है एज पर द गवर्नमेंट रूल, तो ये एक बार जरूर देख लेना। फिफ्थ है प्राइसिंग। अभी एक ऐसा फैक्टर है जिस पे हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहां पे जिसकी जो लिमिटेशन होगी वो
उस हिसाब से व्हीकल परचेस करेगा। बट यहाँ पे एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपके पास पैसे कम है लाइक 80,000-70,000 तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पैसा ऐड करिए अपने गाड़ी परचेसिंग अमाउंट है उसमें और ट्राई करिए कोई नोन कंपनी से गाड़ी लेने का, जैसे टीवीएस हो गई, चेतक हो गई, एथर हो गई, जो अपनी गाड़ियों को R&D करके और अपने रिसर्च करके गाड़ियों को बनाया है, उन गाड़ियों की तरफ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे जो मेटल बॉडी में जो गाड़ियां है वो सिर्फ और सिर्फ बजाज की चेतक है, बाकी जितनी गाड़ियां है सबके साथ फाइबर बॉडी के साथ आती है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, बोनस टिप है, PDI जरूर करना जो भी गाड़ी लेने जाते हो। हालांकि लेने की मैं क्या ही बात करूं, ओला की गाड़ी तो आपके घर पर डिलीवर्ड होती है और वो गाड़ी जो बन के आती है वो आपके लिए डिजाइंड है, और ऐसे में काफी लोगों तो PDI जब करते तो पैनल गैप्स देखने को मिलते हैं, तो फिर अगेन वही चैंपियन के थ्रू आना, देन उस गैप को पूरा का पूरा फिक्स करना, तो ये होता है। इवन TVS के केस में भी ऐसा है, 3 महीने बाद गाड़ी मिलती है जब वो बुक कर ले। तो देखो अभी के टाइम में PDI करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो क्वालिटी है ना वो अभी भी उतनी टॉप नॉच नहीं है जैसे IC इंजन में। हालांकि IC इंजन में ऐसा नहीं है कि एकदम टॉप नॉच है, वहां पे भी PDI करोगे तो समझ में आएगा कि बहुत सारे इश्यूज हैं। PDI में क्या क्या चेक करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। पेंट क्वालिटी कैसी है, कहीं से पेंट उखड़ तो नहीं रहा, कहीं स्क्रैच तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें हल्का सा यू नो टचअप करके आपको दे दिया, ये सारी चीजें देख लेना। स्क्रैचेस है तो वहीं पर तुरंत ही रिपेयर करवा लेना, बहुत सारी चीजें आप वहीं के वहीं करवा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम लेके है ना गाड़ी को एक बार इंस्पेक्शन करना, पैसे देने से पहले की बात कर रहा हूँ। पैसे देने के बाद तो ओला जैसे ही होगा, जैसे कोई चैंपियन आएगा तो उसको रिपेयर कर देगा। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जरूर गाड़ी खरीदते वक्त ये कुछ पॉइंट्स को जरूर मेंटेन करना, तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।